हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 108 के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो यू होता है अपनी फिफ्थ सील को रिलीज़ कर देता है, जिसको देखने के बाद मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है ये तो पावर ऑफ ऑरिजिन है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, क्या तुम बोलता है। लेकिन तब तक जो हार्वेस्ट के दोनों बंदे होते हैं बोलते ये तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जो लूनर लू और उसके साथ कैरलेट होते हैं, दोनों को दोनों बोलते हैं कि हाँ मुझे पहले से पता था ऐसा हो सकता है, ये बंदा वही है। हार्वेस्ट होता है, वो मेडिसिन से बोलता है कि मेडिसिन तुम कुएं के अंदर एक मेढक की तरह हो, जो कि जिसको लगता है कि कुएं के अंदर जितना जगह है वही पूरी दुनिया है। तुमने अभी तक पूरी दुनिया को देखा ही नहीं है, तुमने अभी तक ये नहीं देखा कि रियल पावर किसे कहते हैं, और तुम्हें ऐसे जो एम्बिशन को फॉलो कर रही थी जिसको तुम कभी पूरा नहीं कर सकती। भले ये अर्थ स्पिरिट ग्रास हो जो कि मैंने इसको दिया था, या फिर जो भी मेरा वीक स्ट्रेंथ जो कि मैं तुम्हें डिस्प्ले कराना चाहता था, ये सब बस मैंने इसलिए किया था ताकि तुम खुद ब खुद सामने आ जाओ। वहाँ पे दिखाता है यू जो होता है अपनी पावर को पूरी तरह चारों तरफ रिलीज कर रहा था, और वहाँ पे उस बंदे यानी मेडिसिन के आंखों में जो यू ने अटैक किया होता है उसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। मेडिसिन सोच रहा था एक्चुअली ये तो पावर ऑफ ऑरिजिन है, और ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है मिस्टर यू, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक अपोस्टल है। साथ ही बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक अपोस्टल होगे। अब मुझे पता नहीं, मतलब ये समझ आ गया कि हार्वेस्ट जो है वो अपने गुडहुड और जितनी भी यीन की थी उसको अब दाव पे लगा कि मैं इतने से एक छोटे से ट्रेटर को क्यों ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसे शुरू से पता था कि उसने यहाँ पे एक अपोस्टल को अपनी हेल्प करने के लिए बुला रखा है। साथ ही हार्वेस्ट जो होता है फिर से बताता है कि तुमने सीक्रेटली तौर पर किसी बंदे जो कि अंडरवर्ल्ड में आता जाता था उसके साथ कोलाइड करके उसके साथ हाथ मिला लिया था, तो इसलिए मुझे किसी ना किसी बंदे को तो ढूंढना ही था ना जो कि मेरा हेल्प कर सके। साथ ही हार्वेस्ट उसे चिल्लाकर बोलता है कि चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम जो अंडरवर्ल्ड में जिस बंदे से मिल रहे थे वो बंदा कौन था। वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है हार्वेस्ट क्या तुम्हें लगता है कि ये सब ऐसे खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखो आगे के क्या होता है। साथ ही वो की को निकाल लेता है जिससे कि काइस द इविल गॉड को सील रिलीज कर सकता था। हार्वेस्ट उसके हाथ में की को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है कि मेडिसिन तुम्हारे पास ये क्यों है, आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? मेडिसिन जो हंसता स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि डियर माई लॉर्ड हार्वेस्ट, तुम्हें पता है ना कि इससे क्या होता है, क्या तुम गेस भी नहीं कर सकते? चलो ठीक है, मैं वही करने वाला हूँ जो कि तुम्हें लग रहा है। हार्वेस्ट चिल्ला बोलता है काइस जो है वो यहाँ, अगर यहाँ पे रिलीज कर दिया तुमने काइस को तो ये सब काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेडिसिन प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम्हें पता होगा कि काइस वो जो बंदा है वो कितना ज़्यादा डरावना, कितना ज़्यादा डेंजरस है, वो इस पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन मेडिसिन फिर से बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है कि वो क्या करेगा, और मेरे पास बस यही चॉइस है। मैं शुरू से ऐसा नहीं चाहती थी, मैं उस मॉन्स्टर को आज़ाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये जगह जहाँ पे हम रहते हैं वो हजारों साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ, ऐसी जगह को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करवाना चाहेगा, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया, अब मैं खुद को भी नहीं रोक पाऊंगी, अब उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही यहाँ पे ना ही कोई ह्यूमन वर्ल्ड में। साथ ही वो की को जो था रिलीज़ कर देता है, उसके ऊपर सील को लगे हुए रिलीज़ कर देता है, और वहाँ पे दिखाते हैं सोल टावर के नीचे जो कैद होता है वो सोल टावर तोड़ता है, वो सीधा का सीधा आसमान की तरफ चला जाता है, और वहाँ पे दिखाते हैं पूरा का पूरा सोल टावर तबाह हो जाता है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जो हार्वेस्ट होता है बोलता है कि वो कमीना फाइनली रिलीज हो गया, काइस रिलीज हो गया। ये बोलता है काइस आखिर की बंदा है कौन, मैंने इसके बारे में बहुत तुम लोग के मुँह से सुन रहा हूँ पर अभी तक मुझे इसको समझ नहीं आ रहा। हार्वेस्ट उसे बताता है कि काइस जो एक इविल गॉड है अंडरवर्ल्ड का, और वो यहाँ पे हज़ार साल पहले पैदा हुआ था, उसके अंदर निगेटिव इमोशंस है, वो इस अंडरवर्ल्ड के सोल टावर के अंदर हम लोगों ने उसको कैद कर दिया था ताकि वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करे, क्योंकि उसकी नज़र जहाँ जाती थी वो जहाँ जाता था सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन मचा देता था। अगर उसको हम लोगों ने अभी इस टाइम पर नहीं रोका था पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर उसने एक बार इस जो रियल बैरियर है उसको तोड़ दिया तो वो पूरे के पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। फाइनली वहाँ पर दिखाते हैं, वो बोलता है ऊपर की तरफ देखो, वो फाइनली यहाँ पे आ रहा है। वो लोग ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ देखते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो होता है दायरा बन जाता है, गोल दायरा बन जाता है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। साथ ही उस दायरे को तोड़ते हुए यानी उस सील को तोड़ते हुए जो काइस होता है, काइस एक एक्चुअली ड्रैगन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो ड्रैगन वहाँ से निकल जाता है और सीधा का सीधा नीचे आके उस सोल टावर से साथ टकराता है। और वहाँ पे दिखाते पूरा का पूरा सोल टावर को तबाह कर देता है। जितने भी बंदे अंडरवर्ल्ड में होते वो सब ये सब देख रहे होते, बोलते ये तो इविल गॉड काइस है, ये तो इविल गॉड काइस, इविल गॉड फाइनली यहाँ पे आ गया, भागो भागो, अंडरवर्ल्ड को अब कोई भी नहीं बचा सकता, अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया, अंडरवर्ल्ड तबाह हो गया। ये बोलते हैं वाह ये तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये तो एक अभी भी एक कीड़ा मकोड़ा है। बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे सामने वो कीड़ा है, लेकिन तुम यहाँ पे बकवास बनते बंद करना बंद करोगे? ये बोलता है क्या तुम इस बंदे को हैंडल कर सकते हो? वो लोग अपने बात कर रहे होते तब तक जो पीछे से मेडिसिन होता है बोलता है कि मेरे पास काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ से भागने का। साथ ही वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जैसे जैसे जो बंदी होती है हार्वेस्ट की सबॉर्डिनेट होती है वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर मेडिसिन नहीं
होती है, बोलती है कि मेडिसन यहाँ पे से चला गया माई लॉर्ड। लॉर्ड भी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, लेकिन तब तक मेडिसन जो होती है मिसकिट के पास चली जाती है और उसको उठाने लगती है। तभी जो लूनर लोग पीछे देखता बोलता है नहीं, ये तो उस लड़की को उठा के यहाँ से अगवा करना चाहता है। जो मेडिसन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है फाइनली मेरा जो काम था हो गया, मैंने ये सोचा था कि कैश का अट्रैक्शन जब सबको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, अटेंशन अपनी तरफ ले लेगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस लड़की को अपने साथ ले जाऊँगा। मुझे नहीं पता इस लड़की का उस अपोस्टल के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन अगर मैं इसको हॉस्टेज की तरह यूज करूँ तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। लेकिन तब तक यूज होता है उसके पीछे आ जाता, बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। उसको पीछे देख के वो काफ़ी डर जाता है, यूँ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देनी होगी, तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए मिसकीर को अगवा करना चाहते हो, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका अंजाम क्या होता है। साथ ही अपने स्वॉर्ड को चला देता है और मेडिसन को जो होता है दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन मेडिसन जो का जो आधा पार्ट होता है भी जिंदा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बोलता है मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो, और वहाँ से भागने लगता है। ये बोलता है इसको जो जिंदा रहने का जो डिज़ायर है वो तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, ये देखो इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हार्वेस उसको पीछे से बोलता है यू उसको जाने दो, उसको अभी के लिए छोड़ दो, हम लोग को सबसे पहले इस कैश से डील करना होगा, वरना वरना अंडरवर्ल्ड को कोई भी नहीं बचा सकता और अंडरवर्ल्ड तब तक तबाह हो जाएगा जब तक तुम उसके पीछे जाओगे। फाइनली दिखाते हैं कैश जो होता है पूरी तरह से तबाही मचा रहा होता है, अपनी एनर्जी से चारों तरफ ब्लास्ट कर रहा होता है। हार्वेस जो बोलता है जल्दी करो, अगर इसी तरह चलता रहा तो अंडरवर्ल्ड इसको होल्ड नहीं कर सकता, इसके पावर को होल्ड नहीं कर सकता और तबाह हो जाएगा। यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक मिनट के अंदर फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन तब तक दिखाते हैं मिसकी जो होती है यू के पैरों पास आ जाती है और उसको काफ़ी अजीब निगाहों से देख रही होती है। ये देख के जो यू होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, हार्वेस भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। यू बोलता है कि मिसकीर, वो फिर हार्वेस से पूछता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मिसकीर को अनकॉन्शियस कर दो, बेहोश कर दो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बताता है मैंने एक्जैक्टली वही किया जो कि तुमने मुझसे करने के लिए कहा था, मैंने इसके अंदर इनकी की पावर को इंजेक्ट कर दिया था और कोई भी लिविंग क्रिएचर उसको हील नहीं कर सकता, अपने अंदर समा नहीं सकता, इसकी वजह से मुझे लगा था ये कम से कम 3 दिन तक बेहोश रहेगी, लेकिन अचानक से ये कैसे जाग गए मुझे नहीं पता। ये बोलता अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो नीचे देखता है तो मिसकीर जो बोल रही थी डैडी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, डैडी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। डैडी का शब्द सुनते जितने भी बंदे होते सबके सब शांत हो जाते कि अचानक से यहाँ से क्या हो रहा है। और हर जो पीछे अपने मुंह पे हाथ रखते हुए हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे से लेजेंडरी अपोस्टल इस तरह का खेल खेलता होगा। ये बोलता अपनी बकवास बातें बंद करो, ये सब सही नहीं हो रहा। लेकिन फिर वो गौर से मिसकीर की तरफ देखता, बोलता है क्या तुम जावयान हो, मतलब कि जावयान वही फाइनिंग यूनिकॉर्न का बेटा या फिर जो चाइल्ड होता वो होता है। बोलता है कि हाँ डैडी मैं वही हूँ। हार्वेस बोलता है कि ये जावयान, अब ये जावयान क्या है। ये बताता है कि ये जावयान है जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर ये मिसकीर होती तो मेरी तो यहाँ पर जान निकल गई थी। लेकिन जो हार्वेस का सबॉर्डिनेट होती बोलती कि लॉर्ड हार्वेस उधर देखिए, अगर मेडिसिन यहाँ से भाग गई तो मेडिसिन जो यहाँ सोल टावर से भाग गई और सीधा का सीधा जो गेट ऑफ रीइंकार्नेशन है वहाँ पर जा रही है। हार्वेस बोलता है कि गेट ऑफ रीइंकार्नेशन, बंदा सच में यहाँ से भाग के ह्यूमन वर्ल्ड जाना चाहता है। यू जो हार्वेस से पूछता है क्या यहाँ अंडरवर्ल्ड से जाने का, अपने मर्जी से जाने का कोई रास्ता नहीं है। बोलता है नहीं, यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, लेकिन वो जो है रिकार्नेट होकर वहाँ पर जाना चाहती है, मतलब वो अगर रिकार्नेशन वाले गेट से पास होती है तो सीधा सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाएगी। और उसके पास चूंकि मेरा भी गुड हुड है तो उसके पास जब वो रिकार्नेट होगी तो उसका जो मेमोरीज होगा उसके मेमोरीज मिटेगा नहीं और सब कुछ उसे याद होगा। और एक बार वो सक्सेसफुली रिकार्नेट हो गया तो कोई भी उसका लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आखिर वो कहाँ है। साथ ही बोलती सबसे जरूरी बात यह है कि उसका रिकार्नेशन की वजह से जो अर्थ पे बहुत ज़्यादा इनकी की एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि उसके पास मेरी इनकी की एनर्जी है जिसकी वजह से अर्थ पे बहुत ज़्यादा डेंजर फैल जाएगा, और सिर्फ अर्थ नहीं अंडरवर्ल्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा डेंजर खतरा आ जाएगा। ये बोलता अच्छा ऐसी बात है जिस बारे में तुम बात कर रहे हो, चलो सबसे पहले हम लोग उस लड़की को जाके पकड़ते हैं। बोलता है ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश को हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते, अगर हम लोग को यहाँ नहीं इसे छोड़ दिया तो अंडरवर्ल्ड को ये तबाह कर देगा। ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सबसे पहले मुझे उस भागे हुए बंदे को पकड़ना होगा। बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई बेहतर उपाय निकालना होगा जिससे हम लोग दोनों को एक साथ संभाल सके। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो मिसकीर की तरफ देखता है और बोलता है चलो ठीक है मेरे पास उपाय मिल गया, हम लोग सबसे पहले जाके मेडिसिन को पकड़ेंगे और यहाँ पे इस कैश को मिसकीर के ऊपर छोड़ देंगे। बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, इस लड़की के ऊपर तुम कैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो, कैश के बारे में क्या पता है, कैश इतना ज़्यादा पावरफुल है ये लड़की उसको कभी भी हैंडल नहीं कर सकती। ये बोलता है कि मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करवाना या फिर इन सबको कैसे पॉसिबल कराना है। साथ ही वो अपना जो थोड़ा सा पावर होता है जो ओरिजिन पावर होता है उसको निकालता है और मिसकीर के बॉडी के अंदर डाल देता है। ये देखने के बाद हार्वेस बोलता है ये तो पावर ऑफ ओरिजिन है, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। वो जो पावर उसके अंदर डालता है उसके बाद जो मिसकीर की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर दौड़ना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो एक अपोस्टल की पावर होती है। वो बोलता है कि वेरी गुड डावयान, क्या तुम्हें ठीक अच्छा लग रहा है। बोलती है डैडी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, गाना टड़ा टड़ा गाना गाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो ऊपर की तरफ इशारा करते बोलता है कि क्या तुम्हें आसमान में वो कीड़ा उड़ता हुआ
दिख रहा है? बोलती है कि हाँ डैडी मुझे दिख रहा है। बोलता है कि जाओ और उसे पीट डालो। बोलती है ठीक है डैडी मैं जाती हूँ। साथ ही वो उड़ते हुए वहाँ पे उस मॉन्स्टर को पीटने के लिए चली जाती है। वो सीधा का सीधा उड़ते हुए उस गाइस के पास जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे दिखाते हैं उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने फायर की मदद से वहाँ पे पंख बना के हवा में उड़ रही होती है। साथ ही वो अपने दोनों हाथ फैलाती है और अपने फायर एनर्जी का यूज करते हुए एक बहुत बड़ा पंच अपने फायर से बना लेती है। और वो जो पंच होता है उसको बोलती है जाओ मारो, और साथ ही वो पंच से उसको सीधा का सीधा मॉन्स्टर को हिट करती है, जिससे कि मॉन्स्टर जो होता है नीचे की तरफ जाके धड़ाम से गिर जाता है। उसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे कि मिस्किर और उस गाइस द डेविल इविल गॉड की फाइट देखेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।